हेलो एवरीवन, मैं सोने मेकअप आर्टिस्ट और मैं आज आपको एक छोटा सा एक ट्यूटोरियल आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ। ये हमने ब्राइडल लुक किया है, बहुत सॉफ्ट लुक किया है, तो हम लोग जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कंसीलर लगाया है अभी, आपको मैंने अभी टाक का कंसीलर यूज़ करा है। आप जो भी यूज़ करते हो उसको अच्छे ब्रांड में ही यूज़ कीजिएगा। और देन मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करने के बाद मैं उसको लूज पाउडर से बहुत अच्छे से लॉक करने वाली हूँ, ताकि जो भी हमारे कलर्स होंगे वो बहुत सुंदर तरीके से आपको दिखेंगे। तो जल्दी से हम लोग आई शेडो जो भी हम कलर लेने वाले हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने अभी लाइट पिंक और थोड़ा सा मैंने रोज़ पिंक मैंने दो मिक्स करे थे कलर्स मैंने, तो देन मैं इसको ऊपर की तरफ इसको ब्लेंड करते हुए लेके जा रही हूँ। धीरे धीरे जैसे आप ब्रश को आप देखोगे ना कैसे मुँह में मूवमेंट कर रही हो, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ईजीली आ जाएगा। देन मैं उसको ऊपर कट क्रीज करने के बाद हम उसको थोड़ा सा डार्क शेड और दोबारा लेंगे ये। और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि आपको ऐसे छोटी छोटी वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो देन मैंने उसको अच्छे से कलर्स जो मैंने था वो मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया था गाइज। और जो भी आप कलर्स लोगे उसको डस्ट ज़रूर करना है, नहीं तो अगर डस्ट नहीं करते तो फिर वो पैच बनना शुरू हो जाता है वो। फिर मैंने थोड़ा ब्राउन शेड लिया था, क्योंकि वो ब्राउन शेड क्या होता है ना कि बहुत आपको सॉफ्ट दिखता है। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ब्रश ले रखा है, मैंने टाक का थोड़ा सा कंसीलर ले रखा है, और देखोगे आप बहुत नीट एंड क्लीन करना है आपने। जो भी अगर ब्रश आप यूज़ करोगे तो उसको देख के लेना है, आपने गंदा ब्रश बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। मैंने यहाँ पर कंसीलर लगा चुकी थी, फिर मैं उसको लूज़ पाउडर से इसको पहले मैं लॉक कर रही हूँ। देन उसको लॉक करने के बाद जो मेरे इनर कॉर्नर में जो मेरे आई शेडोज है मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्रश आपको बहुत सॉफ्ट रखना है, अगर आप हार्ड ब्रश यूज़ करोगे तो वो एक आपस में कलर्स मर्ज हो जाते हैं कई बार, तो वो फिर केकी केकी भी दिखने लग जाता है। तो हम ये बहुत सॉफ्ट लुक कर रहे हैं, और आई होप आपको बहुत पसंद आई ये वीडियो। और मैंने बहुत सॉफ्ट लुक इसीलिए करा है ताकि आजकल के जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो बहुत डिमांड पे थे कि मैम बहुत सॉफ्ट लुक चाहिए मेरे को ना, तो ये बहुत सॉफ्ट लुक है। तो आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। और ये देखिए मेरी फाइनल जो लुक है जो कट क्रीज हुई है गाइज, देखो कितनी प्यारी लग रही है। मुझे कुछ कलर्स ऊपर कुछ कम लग रहे थे, तो हमने थोड़ा सा कलर छोटा सा ब्रश देखोगे अब मैंने छोटा सा ब्रश ले रखा है, उसको आप ऊपर की तरफ ब्लेंड करोगे तो देखोगे मैं बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन कर रही हूँ। फिर मैंने आईब्रो पेंसिल थोड़ी सी फिल कर दी थी, फिर मैंने इनर कॉलर में जो मेरे देखोगे ना बोर्ड्स मेरे, उसमें मैंने आपको हाइलाइटर देखो मैंने कैसे लगाया आपको, वो इसीलिए लगाते हैं ताकि वो बहुत ईजीली आपको इनहेंस होकर दिखेगा आपको वो कलर्स ना। और ये वाले जो हम जो लाइनर लगाते हैं वो विंग्स नहीं निकलता है, तो गाइज आपको क्लाइंट को बोलना है आप साइड देखिए वो कॉर्नर्स वो क्या होता है ना कि वो नीचे भी नहीं लगता है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और जो मैंने अभी जो कलर जो कोने में ले रखा है मैंने वो थोड़ा आई शेडो ले रखा है मैंने थोड़ा ब्राउन का, तो कॉर्नर में देखोगे ये देखिए मेरी गाइस ये मेरी कट क्रीज है, बहुत सॉफ्ट लुक है। और ये मेरा फाइनल लुक है, आई होप आपको बहुत पसंद आया हो। तो थैंक यू सो मच गाइज, ये हमारी वीडियो है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके गाइज, बाय बाय।